नमस्कार, सारिकाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक चिली की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। जनरली चिली बनाने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया जाता है, बट हम अपनी रेसिपी में इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, इनके बिना ही हम बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा कुकिंग नहीं करते हैं और कुकिंग में बिल्कुल ही नए हैं, तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं और खाने में उतना ही यम्मी होता है और बहुत जल्द बन जाता है। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में बन जाता है। तो चलिए हमारे किचन में बनाते हैं एग चिली। यहाँ हमने 9 अंडे लिए हैं, जिसको पहले से बॉईल करके छील के रखे हैं। 2 बड़े साइज का प्याज है क्यूब में कटा हुआ, 1 टमाटर, 1 बड़ा शिमला मिर्च सबको क्यूब में काट के, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, लहसुन अदरक को कूच के, और यहाँ पे है ब्लैक पेपर, और यहाँ ग्रीन चिली काट के, और ये है ग्रीन चिली सॉस है। और ग्रेवी के लिए हम हॉट एंड सॉर सूप का यूज़ करेंगे, जिसको पहले से ही पानी में सोख करके रख दिए हैं। और ये है विनेगर। सबसे पहले अंडे को अच्छे से कट कर लीजिए। कोई भी अंडा का रेसिपी बनाने में अंडा को पहले कट करके करिएगा, वरना फ्राई करते वक्त वो फटने लगता है। इधर तेल गरम हो गया है, इसमें हम अंडा को डालेंगे। सारे अंडे को डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देंगे। हल्दी डालने से इसमें अंडा में कलर आ जाए। सारे अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको डीप फ्राई करना है। अंडा फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल के अलग बर्तन में रख देंगे। और फिर उसी तेल में पहले लहसुन अदरक को डालेंगे और तुरंत बाद ही प्याज डाल देंगे, नहीं तो फिर लहसुन अदरक जल जाएगा। इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर फिर इसमें हम हरी मिर्च जो कटा हुआ था उसको डाल देंगे। चिल्ली बनाने में कोई भी चीज़ को फ्राई नहीं करना। प्याज हल्का सा नरम हो गया है और अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको भी हल्का सा नरम करना है, इसको एकदम फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। अब इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, और थोड़ी देर फिर इसको चलाएंगे। फ्लेम सिम रखिएगा, हाई फ्लेम पे फिर जल जाएगा सब चीज़। अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के थोड़ा सा उलट पुलट के और इसको एक बार ढक देंगे, ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए, हाफ गल जाए। सारी सब्जियां अब पक गई हैं, अब इसमें हम विनेगर और सॉस डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर जाइए। डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो कर जाता है। सारे सब्जियों को अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे सॉस के साथ, और इसमें अब फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको हम तेज आंच पे चलाएंगे। सारे चीज़ को अच्छे से एक दूसरे से मिला देंगे। अब इस स्टेज पे आप, अगर आपको ड्राई चिली खाना है
तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे ही निकाल के खा सकते हैं। ये ड्राई एग चिली हुआ। और अगर आपको ग्रेवी खाना है तो फिर ये हॉट एंड सॉर सूप को जो पानी में सोक करके रखे हुए थे, वो जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से उसमें पानी मिला के डाल दीजिए और बॉयल होने दीजिए। और इस समय अभी फ्लेम हाई रखना है। और ये बन गया हमारा एग चिली विथ ग्रेवी। अब हमारी एग चिली बन के रेडी है। तो एक ट्रिक से दो तरह का एग चिली बन के रेडी है, एक ग्रेवी वाला और एक ड्राई। तो इसे आप पराठा, जीरा राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।